नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उसके बाद में दिखाएंगे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की टॉप 5 खबरों पर। सायापुर में जिलाधिकारी के आदेशों को खुलेआम दिखाया जा रहा ठेंगा। आदेश जारी होने के बाद भी ई रिक्शा से स्कूली बच्चों का परिवहन लगातार जारी। प्रशासन भी आदेशों का पालन कराने में नाकाम साबित। मंडल प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी कल पहुंचेंगे सायापुर। सिंधौली के चकनऊ गांव में प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे निरीक्षण। रात्रि चौपाल लगाकर सोने की समस्याएं और गांव में ही करेंगे रात्रि भोज। कल शाम आई तेज आंधी से कई जगहों पर हुई बड़ी घटनाएं। मिर्जापुर में बुजुर्ग और जैतीपुर में आई आंधी से खंभे की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत। वहां विधायक चेतराम ने मिल प्रबंधक से की मुलाकात। कहा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र कराएं, भुगतान न होने से किसानों को हो रही समस्याएं। और जलालाबाद में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। ट्रैक्टर पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। बाल बाल बचे। ट्राली में सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे ये लोग। सायापुर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे ई रिक्शा को बंद कराने का आदेश जारी किया था। जिलाधिकारी ने कहा था कि ई रिक्शा से अब बच्चों का परिवहन नहीं हो सकेगा, जिसके बावजूद भी शहर में ई रिक्शा से बच्चों को ढोने का काम किया जा रहा है। वहीं आदेशों का पालन करा पाने में प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। कल शाम आई तेज आंधी के चलते पुआया के गंगसरा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। यहां तेज आंधी के साथ कई खंभे टूट गए और कई जगह पर पेड़ विद्युत लाइन के ऊपर जा गिरे और घंटों तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। हालांकि बाद में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर लाइन पर गिरे हुए पेड़ों को हटाया और टूटे हुए खंभों को बदल कर विद्युत आपूर्ति को बहाल कराया। कटरा के रहने वाले नासिर बेग ने फाइनेंस कंपनी के लोगों पर दबंगई करने का आरोप लगाया है। नासिर का कहना है कि उसने करीब 2 साल पहले बाइक फाइनेंस कराई थी, जिसकी सभी किस्तें उसने फाइनेंस कंपनी के एजेंट को दे दी थी। उसके बाद भी फाइनेंस कंपनी के लोग उस पर पैसा बकाया बता रहे हैं। नासिर का आरोप है कि आज वो अपने परिवार के साथ सायापुर दवा लेने आ रहा था, उसी दौरान पुराने जिला अस्पताल के पास फाइनेंस कंपनी के कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए जबरन उनकी बाइक छीन ली। अब नासिर ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना जैतीपुर के अली अकबरपुर नवादा गांव में आंधी से गिरे खंभे की चपेट में आकर महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कल शाम का है, जब तेज आंधी के साथ एक पेड़ बिजली की लाइन पर जा गिरा और एक खंभा टूट गया। उसी दौरान घर के बाहर नल से पानी भर रही 45 वर्षीय महिला श्रीदेवी खंभे की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि महिला घर के बाहर लगे नल से पानी भरने गई थी, उसी दौरान आंधी आ गई। सायापुर सांसद अरुण कुमार सागर ने दिल्ली के रेल भवन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सायापुर के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मालगोदाम रोड के निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जाँच कराकर कार्रवाई की जाए। मंडल प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी कल सायापुर पहुंचेंगे। नंदगोपाल नंदी कल 3:10 पर रिलायंस गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जिसके बाद मंत्री सिंधौली के चकनहव गांव जाएंगे और प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वहां बनी गौशाला और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया जाएगा। मंत्री नंदगोपाल नंदी रात्रि विश्राम करते हुए जन चौपाल और सामाजिक समरसता के लिए गाँव में ही रात्रि भोज करेंगे। कल आई तेज आंधी के दौरान थाना कलान क्षेत्र के कड़ही गांव में भट्टे के ईंधन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। हालांकि ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गए। मानसून से पहले ही सायापुर नगर निगम अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटा हुआ है।
नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा के निर्देशों पर महानगर क्षेत्र के नालों में साफ सफाई का अभियान चलाकर सिल्ट को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। यहां जेसीबी मशीन और सफाई कर्मियों को लगाकर नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के नारायण नगला गांव में बुजुर्ग की खंभे के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। नारायण नगला का रहने वाला 60 वर्षीय श्रीकृष्ण पड़ोस के ही गांव कुंडरिया से सामान लेकर घर लौट रहा था, तभी अचानक तेज आंधी आ गई। आंधी से एक बड़ा पेड़ भरभराकर लाइन पर जा गिरा और बिजली की लाइन का खंभा टूटकर बुजुर्ग के ऊपर जा गिरा, जिसके नीचे दबकर बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सायापुर के बरेली मोड़ के पास उमरगंज में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और रासलीला का आयोजन होगा। आयोजन 1 जून से होगा और 9 जून तक चलेगा। महायज्ञ में राम किंकर दास जी महाराज और साध्वी देवी राधिका दीदी पहुंचेंगी। बीती रात आई तेज आंधी से मिर्जापुर में पेड़ के नीचे दबकर एक कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना मिर्जापुर कस्बे के पांडे मार्केट की है, जहां तेज आंधी आने के बाद पाकड़ का पेड़ गिर गया, जिसके नीचे आकर एक कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। कल जलालाबाद में आंधी के दौरान एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस दौरान ट्रॉली सीधे ही खाई में जा उतरी, जिससे ट्रॉली में सवार कई लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और जैसे ही कोला मोड़ के पास पहुंचे तो अचानक से तेज आंधी आ गई, जिसके चलते ट्रैक्टर चालक ने धूल भरी आंधी में ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर खाई में जा पलटा। वहीं विधायक क्षेत्राम ने मकसूदापुर बजाज चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक से वार्ता कर क्षेत्र के किसानों का बकाया गन्ना भुगतान तुरंत कराए जाने की मांग की है। विधायक ने कहा कि कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से किसानों के उत्थान के लिए और जीवन यापन के लिए मकसूदापुर चीनी मिल को तुरंत गन्ने का बकाया भुगतान करना चाहिए। विधायक ने कहा कि सरकार किसान गरीब मजदूरों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। किसानों का गन्ने का भुगतान समय से ना होने के कारण किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलहर विधायक सलोना कुशवाहा ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। विधायक ने फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की एक एक फरियाद को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निस्तारण कराए जाने की बात कही।